सो गाइस, आज हम बात करेंगे ऐश के रेयर पोकेमॉन्स के बारे में। और रेयर पोकेमॉन्स के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, जो कि बहुत ज्यादा कीमती और अनोखे होते हैं। और इनकी एक खास बात यह है कि ये एरेगेरे ट्रेनर्स के पास नहीं होते। और इस लिस्ट में हम ऐश के टेम्पररी पोकेमॉन्स को नहीं लेंगे, जैसे कि सुलगेलियो। इसमें हम ऐश के परमानेंट पोकेमॉन्स को लेंगे, जिन्होंने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया है, हालांकि ऐश ही आगे जाके ये वादा तोड़ देता है। सो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हमारी लिस्ट का पहला पोकेमॉन आता है ऐश का गेंगार। बेसिकली तुमने बहुत सारे गेंगार्स को देखा होगा एनीमे में, पर ऐश का गेंगार उन सभी में से बहुत ज्यादा रेयर पोकेमॉन है। नॉर्मल गेंगार कुछ इस तरह के होते हैं, जो कि हमें पोकेमॉन जर्नीज में भी देखने के लिए मिल चुके हैं, जिनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। और शाइनी गेंगार का कलर कुछ इस तरह का होता है, पर ऐश के गेंगार का कलर इन दोनों से ही अलग है और ये बाकी गेंगार से काफी ज्यादा डिफरेंट है। सो इसीलिए ये बात इसको स्पेशल और रेयर बनाती है। रेयर होने के साथ ही ऐश का गेंगार एक स्ट्रांग पोकेमॉन है और इसने काफी अच्छी बैटल्स की है पोकेमॉन जर्नी में। क्या पता हमें आगे जाकर गेंगार की कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में पता चले। और गेंगार के पास उसका एक फॉर्म है, जो कि है जिगेंटामैक्स फॉर्म, और साथ ही में ऐश का गेंगार बहुत ज्यादा नॉटी है। हमारी लिस्ट का दूसरा पोकेमॉन आता है नॉकटावल, जो कि एक चमकीला और शाइनी पोकेमॉन है। ये बहुत ज्यादा चमकता है। जोक सपाट, ऐश ने नॉकटावल को पकड़ा था जूटो रीजन में। वैसे तो नॉकटावल रेयर नहीं होते, पर ऐश का नॉकटावल बाकी नॉकटावल से काफी ज्यादा अलग है। ये एक शाइनी नॉकटावल है और ये बात तुम किसी को बताना नहीं तो वो नॉकटावल को चोरी कर लेंगे। और शाइनी पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। अगर तुमने एनीमे में देखे हैं तो काफी कम ट्रेनर्स के पास ये शाइनी पोकेमॉन्स होते हैं। इसके अलावा भी नॉकटावल ने ऐश के लिए काफी अच्छी बैटल्स करी हैं और उसे जिताया भी है। घोस्ट टाइप पोकेमॉन को हराने के लिए ऐश ने इसका काफी इस्तेमाल किया है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो गेम्स और एनीमे दोनों में ही शाइनी पोकेमॉन्स रेयर होते हैं। हमारी लिस्ट का तीसरा पोकेमॉन है गुडरा, जो कि कुची ट्रेनर्स के पास बताया गया है और ये एक रेयर पोकेमॉन है। एनीमे में हमने ऑफिशियली ऐश और रायान के पास ही इसे देखा है और इसे ऐश ने कैलोस रीजन में पकड़ा था। और ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, जो कि काफी रेयर होते हैं। और यही गुडरा का बैटल रिकॉर्ड देखा जाए तो वो काफी अच्छा है, जहां पर इसने क्लेमेंट और अलान के सामने ऐश की काफी मदद की थी। और गुडरा के पास एक अबिलिटी है, हाइड्रेशन अबिलिटी, जिससे ही अपने आप को रिकवर भी कर लेता है। वैसे तो ऐश के पास और भी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स है, बट ये उनमें से ज्यादा रेयर है। अगर हम एनीमे के हिसाब से देखें तो गुडरा को बहुत ही कम ट्रेनर्स के पास दिखाया गया है। वैसे तो ऐश के ड्रैगनाइट भी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, पर एनीमे में हमने बहुत सारे ट्रेनर्स के पास ड्रैगनाइट पोकेमॉन को देखा है, जैसे कि ऐश, ड्रैक, लेंस, आयरस और प्रोफेसर ओक। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के पास ड्रैगनाइट देखने के लिए मिला है, इसीलिए ड्रैगनाइट अभी के टाइम उतना रेयर पोकेमॉन नहीं है और वो हर एक सीजन में हमें किसी न किसी ट्रेनर के पास दिखता रहता है। सो इसीलिए हम ड्रैगनाइट को कंसीडर नहीं करेंगे और यहाँ पर मैंने इसीलिए गुडरा को लिया है। नंबर 4 पे आता है लाइकनरॉक, जो कि एक सन एंड मून सीरीज का पोकेमॉन है। और ये तो हम सभी को पता ही है, ऐश का रॉकरफ, जो कि डस्ट लाइकनरॉक में इवॉल्व हुआ था। अब यहाँ पर इसके रेयर होने की वजह यह है कि लाइकनरॉक के पास तीन अलग फॉर्म्स होते हैं, मिड डे, मिड नाइट और डस्क फॉर्म। और पोकेमॉन के पूरे एनिमे सीरीज में ऐश ही एक ऐसा ट्रेनर है जिसके पास डस्ट लाइकनरॉक है। रही बात इसके बैटल्स की, तो इसी की मदद से ऐश अलोला रीजन का चैंपियन बना था और ये अलोला रीजन का ऐश का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन में से एक है। ऐश के लाइकनरॉक की राइवलरी बताई गई थी ग्लैडियन के लाइकनरॉक के साथ, और टूर्नामेंट में ऐश के लाइकनरॉक ने ग्लैडियन के लाइकनरॉक को हरा भी दिया था। पर मिडनाइट फॉर्म थोड़ा सा कूल दिखता है एनीवेज। और ऐश बहुत ज्यादा लकी था कि उसके पास 10 लाइकनरॉक है, और गेम्स में तो ये और भी ज्यादा रेयर होता है, बड़े बड़े गेमर्स इसे नहीं पकड़ पाते, और जो कुछ पकड़ लेते हैं वो नंबर 5 ड्रैगोविश। इसे ऐश ने गलार रीजन में पकड़ा था, और जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था, अरे इसका मुंह कितना बड़ा है और हाथ, अरे हाथ तो है ही नहीं इसका, कितना अजीब है यार ये। वास करती हरामखोर। ओके, ऐसा मैं पहले सोचता था, अभी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। जब से मैंने इसे एनीमे में बैटल करते हुए देखा है, ये मुझे काफी अच्छा लगता है और ये काफी एंटरटेन भी करता है। अब ड्रैगोविश एक रेयर पोकेमॉन कैसे हुआ? तुम्हें पता ही होगा ड्रैगोविश एक फॉसिल पोकेमॉन है, और फॉसिल कितने रेयर होते हैं ये किसको नहीं पता। फॉसिल ढूंढते ढूंढते फटके 4 हो जाती है लोगों की। इसीलिए ये बहुत ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, और ऐश को भी ये फॉसिल ढूंढते समय मिला था। और रही बात ड्रैगोविश के बैटल रिकॉर्ड की, तो इसकी सबसे अच्छी बैटल हुई थी द्रासना के सामने, वहां पर इसने काफी अच्छी बैटल करी थी और आयरस के ड्रैगनाइट को भी इसने हराया है।
नंबर 6 नागानाडेल, इसे भी एश ने सन एंड मून सीरीज में पकड़ा था और इसके रेयर होने की सबसे बड़ी ये वजह है कि ये एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है और अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन वो एक अलग ही दुनिया से आते हैं, उनका एक अलग ही डायमेंशन होता है। ओवरऑल देखा जाए तो नागानाडेल एश का बहुत ही अच्छा पोकेमोन है, बस दिक्कत यही आ जाती है इसका नाम थोड़ा अजीब है, नागा नाडेल। जोक्स अपार्ट, एनीवेज वैसे इसकी बैटल्स के बारे में देखा जाए तो इसने बहुत ज्यादा अच्छी बैटल करी है, इसने लेजेंडरी पोकेमोन टापू कोको के साथ भी बैटल करी है, इसके अलावा भी इसने काफी सारे पोकेमोन के साथ बैटल करी है और उन्हें हराया भी है। अगर मैं तुम्हें इसे डायरेक्टली बताऊं तो ये सन एंड मून सीरीज का एज का सबसे स्ट्रांग पोकेमोन है और नागानाडेल एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है, सो इसीलिए रेयर है और अभी तक एनिमे में हमें बस एज के पास ही नागानाडेल देखने के लिए मिला है। हमारे लिस्ट का 7th पोकेमोन आता है एश का मेलमेटल। अब ये इतना रेयर कैसे है ये तो तुम सभी को पता ही होगा, ये एक मिथिकल पोकेमोन है। अब लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन कितने ज्यादा रेयर होते हैं ये तो तुम सभी को पता ही होगा, इवन हमारा आर्कियस जो कि गॉड पोकेमोन है वो भी एक मिथिकल पोकेमोन है और इसे भी एश ने सन एंड मून सीरीज में पकड़ा था और एश के ज्यादातर पोकेमोन सन एंड मून सीरीज के ही थे जो कि बहुत ज्यादा रेयर हैं। रही बात इसके बैटल रिकॉर्ड की तो इसने काफी अच्छी डिसेंट सी बैटल करी है, हालांकि इसने काफी पोकेमोन्स को हराया भी है और साथ ही में डिसएडवांटेज होते हुए भी इसने बैटल करी है, बट स्टिल ये मिथिकल पोकेमोन है इसलिए ये काफी स्ट्रांग है। अगर एश इसको थोड़ी और ट्रेनिंग देता तो शायद ही एश का सबसे पावरफुल पोकेमोन में से एक होता। हमारे लिस्ट का लास्ट और एश का सबसे रेयर पोकेमोन द वन एंड ओनली ग्रे निंजा। वैसे तो हम सभी को पता ही है स्टार्टर पोकेमोन रेयर नहीं होते, वो हर किसी के पास होते हैं और ग्रे निंजा भी रेयर पोकेमोन नहीं है, पर हमारा एश का ग्रे निंजा जिसके पास एक स्पेशल फॉर्म है एश ग्रे निंजा, ये बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है और पोकेमोन के पूरे एनिमे सीरीज में बस ये एश के पास ही है। रही बात ग्रे निंजा की पावर की तो हर किसी को पता है ये एश का सबसे पावरफुल पोकेमोन है। रही बात इसकी बैटल्स की तो इसकी अच्छी बैटल थी मेगा चारिज़ार्ड और मेगा सेप्टाइल के सामने जो कि बहुत अच्छी बैटल थी। तो आज की हमारी लिस्ट यहीं तक की थी, यही थे एश के कुछ रेयर पोकेमोन जो कि एश के पास ही हैं और शायद किसी दूसरे ट्रेनर के पास ये होंगे, और मैंने इस लिस्ट में जितने भी पोकेमोन्स को लिया है उन सभी के पास कोई तो स्पेशलिटी थी इसीलिए वो रेयर थे। अब तुम्हारा कौन सा फेवरेट पोकेमोन है बताना मुझे कमेंट्स में। अब जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, आजकल तुम्हारा भाई बहुत एक्टिव रहता है इंस्टा पे पता नहीं क्यों। बाय। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ रोज 40 बार और हर महीने बजरंगपुर जाकर संकट मोचन में मैं तपस्या करता हूँ कि औरत नाम की बर्बादी की बू मेरे दिलो दिमाग पे न छाए। ओए गार्चोम अपनी स्पीड बता मुझे। अरे कोई बचाओ।